नमस्कार छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं, जिनको आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने हर टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए फिजिक्स की मिलती रहती हैं। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सके। तो फ्रेंड, धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो संधारित्र क्या होता है, यानी संधारित्र कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, यानी दो प्लेटों से मिलकर के बना होता है। एक पर धन विभव होता है और एक पर ऋण विभव होता है। तो यानी ये एक इस प्रकार का समायोजन होता है जिससे कि इसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही इसकी धारिता बढ़ाई जा सके। तो धारिता कैसे बढ़ाते हैं, यानी देखिए फॉर्मूला होता है सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सी को बोलते हैं हम धारिता, तो इसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो इसकी धारिता जब बढ़ेगी, जब इस पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी, यानी इस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा इसकी धारिता उतनी ज़्यादा होगी, और विभव होगा, जितना विभव कम होगा उतनी इसकी धारिता ज़्यादा होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यानी किसी तरीके से इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, इस विभवांतर की वैल्यू को हम कम कर देंगे, यानी सी बराबर है क्यू अपॉन वी। तो वी का हो रहा है इसमें डिवाइडेशन। अगर इस वाली वैल्यू को हम जितनी कम कर देंगे उतनी क्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि इस वाली संख्या का भाग लग रहा है। तो फ्रेंड्स, सीधी सीधी बात यह है, यानी फॉर्मूला देखो सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो बी की वैल्यू हमने कम कर दी, तो यहाँ पर इस सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वाली संख्या के इसमें भाग लग रहा है। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, यानी सी बराबर क्यू अपॉन बी। तो ये जो संधारित्र है, ये कैपेसिटर है, इस पर हम विभव की जितनी वैल्यू कम करेंगे, मान ली अभी इस पर 5 वोल्ट है, ठीक है, अभी हमने इसको कम करके यानी यहाँ पर 3 वोल्ट कर दिया, तो इस वाले विभव को दोबारा से इस 5 वोल्ट पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर चार्ज यानी आवेश की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें इसे और ज़्यादा अधिक आवेश देना पड़ेगा, तो और जितना अधिक आवेश देंगे तो क्या होगा, इसकी धारिता है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा संधारित्र क्या होता है। संधारित्र यानी एक ऐसा समायोजन होता है जिससे उसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता सी बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित हो सके। अभी हम बात करेंगे इसकी जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता होती है नंबर एक, यानी क्षेत्रफल पर, यानी ये संधारित्र है, ये दो प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है। तो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी सी प्रोपोर्शनल ए। यानी प्लेटों का जो एरिया है, ये वाला क्षेत्रफल, हम जितना अधिक बढ़ाते जाएंगे, जितनी बड़ी प्लेट लगा देंगे तो उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो नंबर एक क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। नंबर दो है प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, यानी ये जो दो प्लेटें हैं, ठीक है, यानी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी c प्रोपोर्शनल 1/d। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, यानी बटे में। तो इसकी जो धारिता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मतलब ये है कि इन प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे धारिता उतनी कम होगी, और इन प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम करते जाओगे धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा आपका। इसके बाद है नंबर तीन, प्लेटों के बीच रखे माध्यम पर, माध्यम पर, यानी ये जो दो प्लेटें हैं ये किसी न किसी माध्यम में रखी जाती हैं।
तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, मोम हो सकता है, कांच हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, यानी खाली नहीं रहती, इनके अंदर कुछ ना कुछ भरा जाता है। तो उस वाले माध्यम पर भी इसकी धारिता है वो निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक रख दिया जाए तो उसकी धारिता है वो बढ़ जाती है। तो इन प्लेटों के बीच कोई भी परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उससे इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं सी प्रोपोर्शनल के, के को हम परावैद्युत बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ संधारित्र संबंध इंपॉर्टेंट बातें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। अब आप लोग व्हाट्सएप के जरिए अपने गणित के कठिन से कठिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से पा सकते हो। आपको करना क्या है, ये वाला नंबर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस नंबर को सेव कर लेना है। उसके बाद आपके गणित का जो भी क्वेश्चन है उसका फ़ोटो खींच करके इस व्हाट्सएप नंबर को अच्छे तरीके से क्रॉप करके भेज देना है, और उसके जस्ट 5 सेकेंड बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर भेज दिया गया है और इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए आपके सामने।